अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब फिट फाट और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेटिनॉल के बारे में। रेटिनॉल सीरम हमें क्यों यूज़ करना चाहिए अपनी स्किन के लिए, और ये कौन से बेनिफिट करता है हमारी स्किन में यूज़ करने से, और हमारी स्किन को ये किस तरह अच्छा करता है, और कौन से रेटिनॉल हमें अपने स्किन के लिए यूज़ करना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं रेटिनॉल सीरम के बारे में। मेरे पास है ऑर्डिनरी का रेटिनॉल सीरम। ऑर्डिनरी का रेटिनॉल सीरम यूज़ करती हूँ मैं, और मैंने ये लिया हुआ है 1% में। ये मैं 1% में इसको यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले रेटिनॉल होता क्या है। बेसिकली रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए डेरिवेटिव्स होते हैं जो हमारी स्किन में डिफरेंट वे से बेनिफिट करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारी स्किन को ये एक्सफोलिएट करता है, हमारी स्किन पे जो डेड लेयर्स आ रही होती हैं ये उसको रिमूव करता है, और जो है वो बहुत बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जब डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं हमारी स्किन ग्लो करने लग जाती है, ब्राइटन अप हो जाती है और क्लियर हो जाती लगने लगती है। और इसके अलावा जो है ये हमारी स्किन में जो एक्सेस सीबम आ रहा होता है ये उसको कंट्रोल करता है। स्किन में जो ओपन पोर्स हो रहे होते हैं, हमारी स्किन में जो ओपन पोर्स हो जाते हैं ये उनको मिनिमाइज करता है। और जैसे अगर पोर ओपन होंगे हमारे तो क्या होता है उसमें डर्ट और डिफरेंट डिफरेंट जो है वो चीज़ें पॉल्यूशंस वगैरह की वजह से वो हमारे स्किन उससे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लैक हेड वाइट हेड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पोर्स जो है, पोर्स कभी बंद नहीं होते, ये उनको मिनिमाइज करता है। तो पोर्स इससे जो है वो बहुत बेस्ट वे से पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं। साथ में जो है ये बेस्ट एंटी एजिंग है, एंटी एजिंग के तौर पर यूज़ किया जाता है हमारी स्किन में। जो कोलेजन की प्रोडक्शन है उसमें इजाफा करता है, तो हमारी फाइन लाइंस और रिंकल्स पे ये वर्क करता है। और इसके अलावा ये अंडर आई डार्क सर्कल के लिए भी बहुत बेस्ट है। अंडर आई डार्क सर्कल को ये रिमूव करता है और उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। और सेकंड थिंग कि मैं बताती हूँ आपको कि ना जो है हमें रेटिनॉल यूज़ करते हुए कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह जो है हमें रेटिनॉल फेस पे यूज़ करना चाहिए और किस कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप रेटिनॉल यूज़ करते हुए हमेशा कम परसेंटेज से इसको स्टार्ट कीजिए। जैसे 0.1 से 0.2 करें, फिर 0.4, इस तरह आप उससे जो है स्लो स्लो जब आपकी स्किन यूज टू होने लगे तो आप इसकी परसेंटेज बढ़ाते जाएं, अपनी स्किन में इसके परसेंटेज का इजाफा करते जाएं। और फर्स्ट जब आप इसे यूज़ करेंगे तो कम आवर्स के लिए यूज़ करें, फिर नंबर ऑफ आवर्स भी बाद में बढ़ाते जाएं। नंबर ऑफ आवर्स के अलावा फिर वन डे यूज़ करें वीक में, फिर टू डे यूज़ करें। तो इस तरह अपनी स्किन को पहले इसका यूज़ टू बनाएं, एंड देन इसको यूज़ कर जो है इसका यूज़ बढ़ाते जाएं अपनी स्किन में। और सेकंड थिंग जो है, इसको यूज़ करते वक्त अपनी स्किन में हमेशा आप सन ब्लॉक मस्ट यूज़ करें। अपनी स्किन में हर हाल में आपको सन ब्लॉक यूज़ करना है, क्योंकि ये सेंसिटिव करता है स्किन को। तो अपनी स्किन में आपको सन ब्लॉक मस्ट यूज़ करना है। डे में कहीं भी जाते हुए अपनी स्किन में इसको जो है वो सन ब्लॉक मस्ट यूज़ करें। अपने खुले घर के खुले एरिया में, या फिर किचन में, या फिर धूप में निकलते हुए सन ब्लॉक अपनी स्किन पर मस्ट यूज़ करें आप रेटिनॉल लगाते हुए। और रेटिनॉल हमेशा रात में यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है कि आप रात के टाइम में रेटिनॉल जो है अपनी स्किन पे यूज़ करें। इसके अलावा जो है रेटिनॉल यूज़ करते हुए फर्स्ट आप मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन पे अप्लाई करें। कोई भी बेस्ट मॉइस्चराइज़र अपने लिए ले लें और उसको पहले फर्स्ट अपने मॉइस्चराइज़ करें स्किन को, देन इसकी बहुत कम क्वान्टिटी रेटिनॉल की लेके वो स्किन पर लगाएं। तो मॉइस्चराइज़र में इसको डाइल्यूट करके आपको हमेशा लगाना चाहिए रेटिनॉल, और इस तरह अपनी स्किन को यूज़ टू बनाए। सेकंड थिंग कि ये हम इसका जो है रेटिनॉल हर एज ग्रुप को रिकमेंड कर सकते हैं। हर एज ग्रुप इसको यूज़ कर सकता है। एडल्ट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनके एक्नी होती है, एक्नी मार्क्स होते हैं, तो वो उनकी स्किन को क्लियर करेगा। 25 एज से जो है भले किसी को स्किन कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो तब भी उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। और जब स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है तो आपको ये मस्ट यूज़ करना चाहिए अपनी स्किन को। आपकी स्किन हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं हमें हमारी एज बढ़ने के साथ साथ, तो वो नहीं होंगी। तो इस तरह जो है अपनी स्किन में आप इसको 25 की एज में भी यूज़ करना स्टार्ट कर दें, मीन्स और उसके आगे अगर 40+ में, 30+ में आप होते हो तो तब भी यूज़ करें, क्योंकि ये बेस्ट एंटी एजिंग फार्मूला भी है, क्योंकि एंटी एजिंग पे भी वर्क करता है ये। तो आप उसको जो है
एंटी एजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल एज ग्रुप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको इसकी थोड़ी सी एहतियात होती है जो करनी होती है। स्टार्ट में आपको इसको यूज टू बनाना होता है अपनी स्किन को इसको यूज़ करते हुए, एंड देन आप इसको स्लो स्लो जो है अपनी स्किन को जब यूज टू बन जाती है तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं इससे। रेटिनॉल बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, रेटिनॉल होते हैं, रेटिनोल्डिहाइड होता है, एंड देन रेटिनॉइड होता है। तो आप स्लो स्लो अपनी स्किन को इसका यूज़ टू करें। जैसे आप फर्स्ट रेटिनॉल यूज़ करें, देन रेटिनोल्डिहाइड में आ जाएँ एंड रेटिनॉइड में आ जाएँ, तो आप जो है स्लो स्लो प्रोसेस वाइज इसको अपनी स्किन पे यूज़ टू बनाएं और इसको परसेंटेज बढ़ाते जाएं। रेटिनॉल बेसिकली कम इरिटेंट होता है क्योंकि माइल्ड होता है, ये लेस होता है, तो आप अपनी स्किन पे इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि किस तरह का टेक्सचर है इसका। सी, ये इस तरह का टेक्सचर है। आप फर्स्ट अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर यूज़ करने के बाद इसको टैप कर सकते हैं, या फिर हल्का सा मसाज करके इसको जो है अपनी स्किन पे लगा सकते हैं, या फिर अपनी स्किन में जो है मॉइस्चराइजर के अंदर मिक्स करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो है मैंने इसको बाय किया था ऑनलाइन, ये अंडर 3000 में मैंने लिया है। आप देख लें, आपको ये अब तो ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट हर जगह पे इजली आप मिल जाते हैं, आप इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं रेटिनॉल आप ऑर्डिनरी का ही यूज़ करें, आप ओले में रेटिनॉल आता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, आप न्यूट्रोजिना का यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो है ब्रांड्स में अब आपको रेटिनॉल मिलता है, आप उसको लेके आप अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मुझे इसी तरह की और टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।